देखिए दोस्तों, पत्थर का बैठाने का कार्य चल रहा है। अब मजदूरों द्वारा पत्थर को हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बना रहे। तो मैं इसमें वाराणसी के ललिता घाट में हूँ। चलिए आपको ले चलता हूँ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर। जो देखिए दोस्तों, नाव द्वारा दर्शनार्थी आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन के लिए। चलिए आगे चलते, आगे का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, नाव द्वारा यात्री यहाँ पर आ रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। देखिए भारी संख्या में यहाँ पे यात्री आ रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते, आगे का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये सीढ़ी पे रेलिंग लगाने का भी कार्य हो रहा है, अभी और लगने वाली है। चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के आपको मंदिर का भी नज़ारा दिखाते हैं और अंदर काशी विश्वनाथ का भी दर्शन कराते हैं। देखिए दोस्तों, हम मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। देखिए दोस्तों, हमने अपने अगले वीडियो में आपको यही सब दिखाया था, इन्हीं भवनों का नामकरण हुआ है। देखिए दोस्तों, यही पत्थर जो कि नीचे रखा गया है, यही पत्थर मंदिर प्रांगण में भी लग रहा है। देखिए दोस्तों, पत्थर का बैठाने का कार्य चल रहा है। अब मजदूरों द्वारा पत्थर को बैठाया जा रहा है, सेटिंग किया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे का भी नजारा आपको दिखाते हैं। सामने आपके आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इधर जो स्लेटर सीढ़ी का व्यवस्था दिया गया, अभी स्लेटर सीढ़ी चालू नहीं, जल्दी ये दर्शनार्थियों के लिए चालू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इन्हीं गलियों द्वारा मणिकर्णिका घाट पर लाशें जाती हैं। देखिए दोस्तों, सामने आपका ये जो कि मणिकर्णिका घाट है, देखिए दोस्तों, इधर अभी जो कि ढलैया का कार्य चल रहा है और आपका ये जो कि स्लेटर सीढ़ी जो नीचे बन रहा है वो ऊपर भी यहाँ से निकलेगा। आप इन्हीं स्लेटर द्वारा आप नीचे से ऊपर आएंगे। चलिए दोस्तों, चलते आगे, आगे का नजारा आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, शाम हो चला है, धीरे धीरे सभी लाइटें बनने लगी हैं। हम आपको नाइट व्यू भी दिखाएंगे, रात का नज़ारा भी दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, यात्रियों के लिए पेयजल का भी व्यवस्था किया गया है मंदिर परिसर में। चलिए दोस्तों, हम भी चलते, हमें भी प्यास लगा है, पानी पीते हैं। देखिए दोस्तों, इधर भी जो कि कार्य लगा हुआ, मशीन आ रही है, जा रही है। काफी संख्या में यात्री बाहर से आए हैं मंदिर परिसर में, अपना सामान यहाँ रख के वो मंदिर प्रांगण में जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये माता अहिल्याबाई का प्रतिमा है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे चल के भी आपको नज़ारा दिखाते हैं आगे का। देखिए दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ये सब दिखाया था, अभी भी ये मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इधर कार्य चल रहा है। Thank you.
ये क्रेन मशीन द्वारा बालुओं को ले जाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं बाहर की ओर। बाहर चल के वो बाहर का भी नजारा दिखाते हैं, माँ गंगा का भी दर्शन कराते हैं। देखिए मंदिर परिसर में गणपति भगवान का भी मूर्ति है। देखिए दोस्तों, मंदिर परिसर में भगवान गणपति का भी मूर्ति है। अभी मंदिर जो कि निर्माण हुआ नहीं है, इस मंदिर का भी निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। देखिए मंदिर परिसर में बंदरों की भी संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। आगे भी कुछ भवनों का निर्माण हुआ है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए जो कि इधर पत्थर पॉलिश का कार्य चल रहा है। देखिए दोस्तों, सामने आपका यह पशुपति संकुल है। आप इधर से भी पशुपतिनाथ नेपाली टेंपल जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इधर जो पत्थर पॉलिश का कार्य चल रहा है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं जाती दीजिए। हर हर महादेव।